हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलो कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे देते थे ना, मेन चेन, फिर नंबरिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो वही काम, सबसे पहले क्या करेंगे, वो खोजेंगे घर वाले कौन है, ठीक है, और फिर उसके जाति कौन सी है, ठीक है। तो घर वाले क्या है, पेंट, मतलब पांच, 1 2 3 4 फाइव, क्लियर हो गया, ठीक है। अबे सारे सिंगल बॉन्ड है, क्लियर हो गया, ठीक है। थ्री पे लगा दो मिथाइल, किस साइड में से चलना चाहते हो, इधर से चलोगे या इधर से चलोगे, किधर से चलो। मैं इधर से चल रहा हूँ, ठीक है। तो थ्री पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है, CH3, ठीक है। और टू पे क्या लगा दिया, क्लोरो CL, क्लियर हो गया, ठीक है। अबे हाइड्रोजन दे दो, CH3, यहाँ पे कितना है, दो तो हो ही गए, टू और यहाँ वन बचा, यहाँ पे वन और यहाँ पे CH3, क्लियर हो गया ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, सर बीच में क्या खा गए क्या। दोस्तों जो बेंजीन टाइप के वो है ना, नेमिंग, वो हम बेंजीन में ही करेंगे, सार सभी बेंजीन्स के एक साथ करेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले घर वाले देखते हैं क्या है, ऑक्टेन, और जाति क्या है, ANE, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब किस साइड से चलो, किसी साइड से चलो, मैं इस साइड से चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो देखो ये क्या है, इसको देखते ही बच्चा समझ गया कि सर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। और ये क्या है, वन पे आयोडो, तो इधर मैं वन पे आयोडीन लगा दू, क्लियर हो गया, ठीक है। टू पे क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स है ना, टू पे कॉम्प्लेक्स है, फिर टू पे अंदर है, चलो देखो टू क्लोरोफिनाइल, देखो फिनाइल के लिए ऐसे करो, फिनाइल हो गया, ठीक है। अब देखो फिनाइल में भी क्या है, टू पे क्लोरो है, तो इधर से चलना, वन टू पे क्लोरीन, क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो दे दोगे आप, CH3, CH2, 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 CH, और ये हो गया CH2, क्लियर हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, फोर टर्ट्रब्यूटाइल, थ्री आयोडो हेप्टेन, ठीक है। तो देखो हेप्टे घर वाले, और फिर ANE, सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा फोर टर्ट्रब्यूटाइल, इसमें इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जो मिथाइल होता है ना, CH3 मिथाइल हो गया, ठीक है, और टू कार्बन में CH3 CH2 इथाइल हो गया, ठीक है। इसमें कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता ना, ठीक है। थर्ड थर्ड वाले में देखो, थर्ड में होता है एक ऐसे बन सकता है CH3 CH3, ये हो गया। इस साइड ऐसे आए ना, तो इसको देखो तीन हो गया ना, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हो गया, ठीक है। देखो 1 2 3 है ना, और थ्री में एक और बनेगा ऐसे, CH3 CH2 CH2, ये होगा प्रोपाइल, प्रोपाइल हो गया, ठीक है। और फोर्थ में क्या बनेगा, फोर्थ में चार बनेंगे। देखो चार कार्बन की चेन, CH3, पहले तो एक आइसो बना देता हूं मैं, CH3 CH3, तीन चार हो गए ना, CH 1 2 3 4 CH2, ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल हो गया, ठीक है। और एक है एन ब्यूटाइल, मतलब CH3, इसको एन प्रोपाइल भी कर सकते हो, CH3 CH2 और CH2, ये हो गया एन ब्यूटाइल, ठीक है, एन ब्यूटाइल हो गया। और कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है बताओ, एक होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल में CH3 CH3 CH2 CH2, यहीं पे लगा दो CH3, मतलब देखो ये सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री वो है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया ना, एक एन ब्यूटाइल हो गया, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, एक आइसो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। और एक ब्यूटाइल और रह गया यार, कौन सा रह गया, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। ये 2 डिग्री हो गया, थर्ड डिग्री हो रहा है, देखो जिसमें तीन तीनों तरफ लगेगा, CH3 CH3 CH3, इसको कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल, ये याद रख लेना, क्लियर हो गया।
मतलब चार जो कार्बन होता है ना उसमें चार बनेंगे, तीन वाले में दो बनेंगे, और इथाइल में तो कोई कॉम्बिनेशन, इथाइल और मिथाइल में सेम रहेंगे, सिंगल रहेंगे। क्लियर हो गया ना? अब बनाओ देखो हेप्ट, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात कार्बन सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है देखो, अब इसमें मैंने ये बताया था ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल ग्रुप। ठीक है, टाइट ब्यूटाइल में टी कंसीडर नहीं किया, इसने बी कंसीडर किया है। ठीक है ना, और इसमें थ्री आइडो। ठीक है, इसीलिए क्या है ब्यूटाइल, रुको 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 रुको, वन ये हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, तो यहां पे फोर्थ पे क्या लग रहा है, टाइट ब्यूटाइल, वन वन और थ्री पे क्या लग रहा है, आयोडीन लग रहा है इसमें। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग में बी पहले आया ना, आई से पहले, तो इसको पहले लिखा है। ठीक है ना, कि टी कंसीडर करके लिखा है। ठीक है, तो थर्ड पे आ गया आई। क्लियर, और टाइट ब्यूटाइल तो अभी तो बताया था मैं, थ्री डिग्री है CH3, CH3 H लगा लोगे, लगा देता हूं CH2 और CH3 है ना। क्लियर हो गया ना, सात कार्बन के चेन और हेप्टेन हो गए, सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, थ्री पे आयोडीन हो गया, फोर्थ पे टाइट ब्यूटाइल हो गया। क्लियर हो गया, देखो एट पार्ट में क्या कर रहा है, ब्यूट टू इन है। ठीक है, तो सबसे पहले घर वाले देखते हैं, चार कार्बन, वन टू थ्री फोर। ठीक है, जाति क्या है, इन है, मतलब वो डबल बॉन्ड है, तो मैं इस साइड से चला हूं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगा दिया टू, टू पे जाति इन है, और वो भी किस पे है, टू पे है। ठीक है, टू पे इन है, और वन फोर डाई ब्रोमो, मतलब यहां पे भी ब्रोमीन है, यहां पे भी ब्रोमीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन। ठीक है, कार्बन सेटिस्फाइड कर दो, वो हाइड्रोजन की CH2 CH CH। क्लियर हो गया ना? ठीक है।